हेलो फ्रेंड्स, नरेंद्र किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब के लाइफ में ब्रेड एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम बहुत ही शौक से खाते हैं। आज उसी ब्रेड को हम घर में बनाना सीखेंगे। इसके लिए एक बाउल में सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून चीनी लिए हैं, साथ ही 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट डाले हैं। अब इसमें मैं 1 कप वाटर डाल रही हूँ, ये नॉर्मल पानी है फ्रेंड्स। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा ईस्ट और चीनी दोनों अच्छे से घुल ना जाए। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है पानी में। अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए इसे एक्टिव होने के लिए रख देंगे, यानी खमीर होने के लिए। 5 मिनट हमारा हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छे से ये खमीर हो गया है, बिल्कुल फ्रॉदी हो गया है। अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं 3 कप मैदा डाल रही हूँ, 1 कप, 2 कप, ये 3 कप, और साथ ही साथ मैं इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इससे ब्रेड का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ मैं इसमें 1 टीस्पून नॉर्मल नमक ऐड कर रही हूँ, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड। तब मैं इसे आगे अच्छे से नीट करेंगे। इसके लिए हमें किचन प्लेटफॉर्म को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया है, और जो हमारा ये डो है इसको इस प्लेटफॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और इस तरह से हमें हाथों से बहुत अच्छी तरीक़े से नीट करना है फ्रेंड, जब तक कि इसमें ग्लूटन डेवलप ना करे, और ये जब तक कि इसका स्टिकीपन ख़त्म ना हो, ये स्ट्रेचेबल ना हो जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा। कम से कम 10-12 मिनट आपको हाथों की अच्छे से कसरत करनी होगी। इस तरह से थोड़ा आपको नीट करनी होगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा फ्रेंड्स, बट इस मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस तरह से आप नीट करते रहिए फ्रेंड, और बीच बीच में हमें इस तरह से हमें इसमें ऑयलिंग करना होगा, जिससे कि हमारे हाथों में स्टिकीपन ना लगे या सरफेस पे भी स्टिकीपन ना लगे। इसका और एक फ़ायदा भी होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो डो होता है वो ड्राई भी नहीं होता है, उसमें मॉइस्चर बना रहता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इस नीट करना होगा। यहाँ जैसे आगे की ओर हमें इस तरह से हथेलियों से मसलते हुए आगे ले जाना है, फिर उसे बैक करते हुए लाना है। इसी प्रोसेस से फ्रेंड्स हमें 10 से 12 मिनट इसी तरह गूंथ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले से कम मैसी हो गया है। देखिए, ये पहले से कम स्टिकी हुआ है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल हमारा थोड़ा डो का फॉर्म में आने लगा है। देखिए, थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा है, ग्लूटेन डेवलप करने लगा है, बट अभी ये पूरी तरीक़े से हुआ नहीं है। अभी हमें और नीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कम से कम हमने यहाँ पर 12 मिनट से लेकर 15 मिनट तक हमने यहाँ नीट किया है। देखिए, अब हमारा ये बहुत अच्छी तरीक़े से डो ब्रेड का नीट हो गया है। इसमें अच्छे से ग्लूटेन डेवलप हो गया, देखिए स्ट्रेचेबल हो गया है। इसको हम फैला रहे हैं तो अब ये कट नहीं रहा, ये देखिए किस तरह से खिंचा जा रहा है। अब हमें फ्रेंड्स इसे हमें थोड़ा देर के लिए हमें रेस्ट करने देना है, इसे खमीर होने के लिए देना है। इसलिए बाउल में हमने थोड़ा सा ऑयलिंग फिर से कर लिया है, और इस तरह से दोनों तरफ ऑयल लगा के हमें इसे ढक के करीब करीब गर्म जगह पे 2 घंटा के लिए इसे रेस्ट करने छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए, फूल जाए। देखिए, ये हमारा 2 घंटा कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना फूल गया है, बहुत अच्छी तरीक़े से खमीर हो गया है, बिल्कुल ऊपर तक आ गया है। अब मैं इसे क्लिंग रैप हटा दे रही हूँ, और देखिए इस तरह से पंच करने पर सारा एयर जो है वो बाहर निकल जा रहा है। अब इसे हम लेके थोड़ा देर, कम से कम 2-3 बार इस तरह से, या 2-3 मिनट के लिए फिर से हम नीट करेंगे, यानी इसे स्मूथ करेंगे। बहुत ज़ोर से नीट नहीं करना है, बस इसका जो चिकनापन लाना है थोड़ा सा स्मूथ कर देना है, बराबर इक्वली कर देना है। अब इसे देखिए, ये हमारा अच्छे से नीट हो गया है। इसे थोड़ा इसी तरह से मैं हाथों से ही फैला ले रही हूँ। आप चाहे तो बेल भी सकते हैं, बट ये हाथ से ही काम चल जाएगा। इस तरह से फैला ले रही हूँ, और जिस मोल्ड में हमें बेक करना है उस मोल्ड का साइज का हमें फैलाना है। देखिए, यहाँ पर मैंने जो मोल्ड लिया है उसे हम मेज़र कर ले रहे हैं। देखिए, इस तरह से उतना ही लंबा हमें करना है। इस तरह से हमें
मेजर कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से इसे अच्छी तरीके से टाइटली हम इसे रोल करते रहेंगे, गोल गोल इसी तरह से हम राउंड करते जाएंगे, अच्छा से टाइट करके हमें राउंड करना है ताकि ईयर अंदर ही लॉक रहे हमारा। और जी ये लास्ट हिस्सा जो रहता है उसे इस तरह से अपने हाथों से टक कर देना है, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से टक कर देना है। अब जो हमारा ये ब्रेड का टीन है इसमें हम पार्चमेंट पेपर लगा देंगे इस तरह से ताकि नीचे सटे नहीं। अब इसमें जो हमने जो रोल किया था वो डो को इसमें हम अच्छे तरीक़ा से सेट कर देंगे और चारों तरफ अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पुश करते हुए चारों कॉर्नर में हमें अच्छे से सेट कर लेना है बिल्कुल इक्वली। आप चाहे तो इस तरह से स्पेचुला से भी कर सकते हैं। देख ध्यान देना है कि कोई भी कॉर्नर वगैरह या साइड में जो भी है वहाँ खाली नहीं रहे, अच्छा से बिल्कुल हमें सेट कर देना है। अब हम ये अभी आपको लग रहा है कि बहुत नीचे है लेकिन अभी ये फूल के ऊपर तक आ जाएगा फ्रेंड्स। इस टाइम में हमें हल्का सा और ब्रश से ऑयलिंग कर देना है और फिर से हमें इसमें क्लिंग रैप डाल के या कोई भी इसी के ढक्कन को ही ढक के इसे कम से कम हमें आधे घंटे के लिए या कम से कम इतना भी कम से कम 20 मिनट तक के लिए रख देना है ताकि ये फिर से फर्मेंट हो जाए। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारा ब्रेड जो है वो सॉफ्ट नहीं होगा। अब इसे हम इसी तरह रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा मैंने छोड़ दिया था इसे। अब देखिए ये पहले से काफ़ी हद तक फूल गया है। इसी टाइम में मैं अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम मिल्क ब्रश कर देंगे। मिल्क ब्रश फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क लेके इस तरह से ब्रश से ऊपर इस तरह से ब्रशिंग कर देना है। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आपको भी मिलता है, साथ ही साथ ये मॉइस्चर बना रहता है। इसी टाइम फ्रेंड्स हमने ओटीजी को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर दिया था 200 डिग्री सेल्सियस में। अब इसे हम ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम इस तरह से ऊपर ढक्कन लगा दे रहे हैं। आपका अगर ढक्कन ना हो तो आप खुला भी छोड़ सकते हैं, हमारा है तो हम इसे बंद कर दे रहे हैं और हम इसे कम से कम 30 मिनट के लिए बेक करने के लिए ओटीजी में रख दे रहे हैं फ्रेंड्स। 30 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड जो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बेक हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आया है फ्रेंड। ये जो ऊपर जो हल्का सा दरार है फ्रेंड्स, बीच में ये हमारा लाइट कट गया था इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग प्रोसेस रुक गया था, इस तरह से हो गया है। आपका ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, आपका अगर इक्वली बेक होगा तो इस तरह से ऐसा कोई मैटर नहीं होगा फ्रेंड्स, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, ऊपर भी बहुत अच्छी तरीक़ा से हमारा बेक हो गया है। इसे थोड़ी देर हम इसी तरह से मोल्ड को ठंडा होने के लिए एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं, उसके बाद इसे डिमोल्ड करेंगे हम। 10 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, ये हमारा मोल्ड ठंडा हो चुका है। अब इसे हम ब्रेड को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इसे पलट दे रहे हैं और हल्का सा टैप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली बाहर निकल आया है। देखिए ये अब हम इसका बटर पेपर जो है उसे रिमूव कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना स्पॉन्जी और कितना अच्छे तरीक़ा से ये बेक हुआ है फ्रेंड्स, और इसका टेक्स्चर भी कितना अच्छा है। मैं आपको इसे थोड़ा कट करके दिखाती हूँ कि इसका अंदर का टेक्स्चर भी आपको पता चलेगा किस तरह से है। देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली ये हमारा कट हो जा रहा है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये इसका सॉफ्टनेस, देखिए फ्रेंड्स इसका टेक्सचर अंदर का, देखिए कितना जालीदार और कितना अच्छा है। खुशबू भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि ताज़ा ताज़ा फ्रेंड्स घर पे अपना ब्रेड बनाना है, उसका मज़ा और खुशी अलग ही रहता है फ्रेंड्स। आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको भी एक अलग लेवल का खुशी का महसूस होगा। आपको बाज़ार के से ख़रीदने के हार्मफुल केमिकल वाला और प्रिजर्वेटिव वाला कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा सा मेहनत करिएगा और इस तरह से फ्रेंड्स आप ब्रेड में मेयोनीज या जैम लगा के इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, टिफ़िन में लंच में दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जैम लगा के आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम फ्रेश फ्रेश बाइट फील हो रहा है फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा और ज़रूर से फ्रेंड्स एक बार बना के घर में ट्राई कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।